क्या बाहुबली 3 होगी हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड? क्या बाहुबली 3 के प्रोड्यूसर को भरना पड़ेगा टैक्स? कब आएगा बाहुबली 3 का पहला ट्रेलर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली 3 का इंतजार सभी को है, लेकिन मूवी को लेकर मीडिया में ज्यादा खबरें नहीं आई हैं। राजामौली जी फिलहाल बहुत बिजी हैं और इसी वजह से वो कोई भी इवेंट अटेंड नहीं कर रहे हैं। उनसे हाल ही में बात तो नहीं हुई है, लेकिन बाहुबली 3 को लेकर कुछ थ्योरीज बाहर आई हैं, क्योंकि बाहुबली 2 कंक्लूड हुई थी, इसीलिए बाहुबली 3 डेफिनेटली एक नई कहानी होने वाली है। लेकिन ये कहानी होगी क्या? राजामौली जी हिस्ट्री के बहुत ही बड़े दीवाने हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल मूवीज बनाना बहुत पसंद है और उन्हें ये मूवीज बेहतरीन तरीके से बनानी आती हैं। RRR को हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। राजामौली जी की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है RRR। तो बस खबरें ये आ रही हैं कि राजामौली 3 बस एक हिस्टोरिकल इवेंट यानी कि एक वॉर पर बेस्ड हो सकती है, मराठा मैसूर वॉर के ऊपर बन सकती है बाहुबली 3। यानी यही फेमस कहानी को दिखाने का सोच रहे हैं राजामौली जी। हाँ, मूवी पूरी की पूरी हिस्टोरी के किताब से उठाई जाएगी, लेकिन उस वॉर के पीछे सीन्स मूवी में ज़रूर यूज किए जाएंगे। इस कहानी में ब्रिटिशेज को भी दर्शाया जाएगा और बाहुबली एक ग्रेट वॉरियर ही दिखाया जाएगा। जैसे कि हमने बताया, ये एक वॉर मूवी होगी, इसीलिए इसे एक बार फिर VFX और एडिटिंग की कला से बनाया जाएगा। बाकी मेकर्स इसका शूट तो आउटडोर ही करेंगे। बाहुबली अभी भी वैसे ही कैरेक्टर होगा और मेकर्स इसे बदलना नहीं चाहेंगे। बस स्टोरी लाने के लिए इन वॉर्स को दिखाया जाएगा। राजामौली जी की माने तो वॉर की कहानी वापस लिखी जा रही है और ये कहानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड नहीं होगी। इसे राइटर अपने तरीके से लिखेंगे, लेकिन हाँ, सीन्स कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं। फिलहाल राजामौली जी महेश बाबू के साथ जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड होने वाली थी, लेकिन फिर स्टोरी चेंज कर सकते हैं, उसे भी स्पाई थ्रिलर बना दिया गया। ऐसे में राजामौली जी चेंजेस तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मूवी अच्छी होगी इसकी गारंटी भी देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ओरिजिनल प्लॉट से डेविएट होकर सही कर रहे हैं बाहुबली मेकर्स, या हिस्टोरिकल इवेंट्स को फिक्शनल में मिक्स करना होगा एक बड़ी गलती? कमेंट्स करके हमें बताइएगा। बाहुबली 3 से पहले ही बाहुबली प्रोड्यूसर्स शोभू यार लगेडा और प्रसाद द्विनेनी भारी टैक्स भर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं ब्लैक मनी की बात। नहीं नहीं, ये कोई ब्लैक न्यूज चैनल नहीं है। बस बाहुबली 3 से पहले इसके प्रोड्यूसर्स को भरना पड़ रहा है 60 करोड़ तक का अमाउंट। बाहुबली द बिगनिंग के बाद इस मूवी से जुड़े सभी लोग लाइमलाइट में आ गए हैं, इसीलिए नोट बैन के बाद इस मूवी के प्रोड्यूसर्स को भरना पड़ा 60 करोड़ तक का भारी टैक्स। करीबन 650 करोड़ कमाने वाली इस मूवी पर सभी की नज़र पड़ चुकी थी, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूसर्स के घर पर रेड डाली, जिसके बाद डिसकंटिन्यूड 500 से 1000 के नोट्स बरामद हुए थे। प्रोड्यूसर्स को ये अमाउंट भरना पड़ा था, जिसके बाद ही क्लियरेंस मिल पाई थी। अब जब बाहुबली 3 की बात आ रही है तो प्रोड्यूसर्स को वेल एडवांस्ड अपनी प्रीवियस मूवीज का टैक्स भरकर क्लीन चिट लेनी होगी, वरना बाहुबली 3 का शुरू हो पाना मुश्किल हो सकता है। बाहुबली 3 का पहला ट्रेलर भी राजामौली जी की एक मूवी में लॉन्च होगा। मशहूर डायरेक्टर राजामौली जी अपनी ही मूवी से ये शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए वो सही वक्त का वेट करेंगे। उनकी महेश बाबू स्टारर मूवी तक तो बाहुबली 3 की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं होने वाली है, वरना राजामौली जी इसी में इस ट्रेलर को आप तक पहुंचा देते। राजामौली जी श्योर हैं कि वो अपनी ही मूवी को यूज़ करना चाहते हैं और अब वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहने वाले। अगर आपको भी अब किसी और चैनल पर मूवीज़ के फैक्ट्स के लिए डिपेंड नहीं रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियो के साथ साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।